तो आज का हमारा मेन टॉपिक है रेडिट, टिप्स टू हैंडल रेडिट, किस तरह से हम रेडिट वेबसाइट को यूज कर सकते हैं और इसकी किस तरह से हम इससे फायदा उठा सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। अपने गेस्ट को वेलकम करूंगी, आयशा रशीद हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रेडिट बहुत पॉपुलर साइट है, बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि रेडिट क्या है, बेसिकली हम रेडिट क्यों करना चाह रहे हैं। रेडिट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज द फ्रंट एंड पेज ऑफ द इंटरनेट, ये एक ऐसा फ्रंट एंड पेज है जिस पर आप रीडर्स फाइंड कर लेते हैं डेली टॉपिक्स को, हेडलाइंस को, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उस पर शो हो रही होती हैं। बेसिकली ये एक सोशल न्यूज प्लेटफॉर्म है जिसमें यूजर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं और वोट करते हैं आपके कंटेंट के ऊपर। इसके अलावा मैं आपसे सब रेडिट के बारे में पूछना चाह रही हूँ, सब रेडिट बेसिकली क्या है। जी ठीक है, मैं आपको सबसे पहले फ्रंट पेज ऑफ इंटरनेट इसके बारे में आपको इलेबोरेट करती चलूं। जब हम रेडिट पे जाकर साइन अप करते हैं तो जो हमारे सामने सबसे पहला पेज ओपन होता है वो हमारा फ्रंट एंड पेज ऑफ इंटरनेट होता है। उसमें हमारे पास वो वाली पोस्ट शो हो रही होती हैं जो रिसेंट में की गई हूँ और जो टॉप पे आ रही हूँ, वो शो हो रही होती हैं जो बेस्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास कम्युनिटीज शो हो रही होती हैं जो लाइक टॉप की कम्युनिटीज होती हैं, जिस दिन वो टॉप पर हैं वो टॉप्स आप हमारे पास ग्रोइंग कम्युनिटीज शो हो रही होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये था कि सब रेडिट जैसे फेसबुक पे जाते हैं और जाकर हम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, इसी तरह रेडिट पे भी एक यही चीज़ है। रेडिट पे अगर हम किसी ग्रुप्स को जाकर ज्वाइन करते हैं तो अब तो हम उन्हें सब रेडिट कह देते हैं। जिस तरह फेसबुक पे जाते हैं वहाँ हम उन्हें ज्वाइन करते हैं, उनके साथ इंगेजमेंट बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट को उनको बताते हैं, उनकी चीज़ों को खुद समझने की कोशिश करते हैं जिससे एक रिलेशन बिल्ड होता है। फिर हम उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपने प्रोडक्ट वहाँ शेयर करते हैं। इसी तरह रेडिट में हम सब रेडिट्स को जो हमारी नीड से रिलेटेड होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में वहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपने हमें बताया कि रेडिट क्या है, रेडिट का फ्रंट पेज क्या है, सब रेडिट क्या है, बट इसका यूज क्या है, मतलब रेडिट को यूज करने से हमें कोई फायदा हो रहा है, हमारी वेबसाइट को फायदा हो रहा है, लेकिन क्या क्या इसका पर्पस है, क्यों ये यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हमें एलैबोरेट करते हैं। बिल्कुल, रेडिट का बहुत यूजफुल है। रेडिट एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम बैकलिंकिंग के लिए यूज करते हैं, लाइक जैसे क्योरा है, क्योरा को भी हम बैकलिंकिंग के लिए यूज करते हैं। रेडिट पे जाकर हम अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड पोस्ट करते हैं, वहाँ बैकलिंक क्रिएट करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, और जब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट रैंक करती है। तो ये ऐसी वेबसाइट है कि इन पे जाकर हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो कर्मा क्या चीज है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखें तो कर्मा तो होता है किसी चीज का वापस उस तरह का मिलना, लेकिन रेडिट में इसका क्या मतलब है, व्हाट इज कर्मा? कर्मा एवरेज होता है आपके वोट का और आपके कमेंट का, आप इन दोनों चीजों को एवरेज करते हैं और आपको इस चीज का फीडबैक देते हैं। अगर आपको फेसबुक पे 100 लाइक्स मिल रहा है तो रेडिट पे वो एक कर्मा इंक्लूड किया जाता है। तो जितने आपके वोट होंगे, जितने अच्छे आपके कमेंट होंगे, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कमेंट होंगे, उसी के थ्रू आपका जो कर्मा होगा वो इंक्रीज होगा। जब कर्मा इंक्रीज होगा डेफिनेटली जो आपने अपनी प्रोफाइल वहाँ बिल्ड किया वो भी रैंक करेगी, वो अच्छी होगी और लोग ज्यादा इंगेज करेंगे आपके साथ। अपवोट्स की एक टर्म हमारे पास होती है रेडिट के अंदर। जी मैं उसको भी एलैबोरेट करती हूँ। अपवोट्स सेम लाइक एज होते हैं, जैसे हमें लाइक्स मिलते हैं पोस्ट पे, लाइक आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगी लोगों को, वो आके वहाँ पे उसको लाइक करते हैं। तो रेडिट पे इस चीज को अपवोट से रिलेट किया जाता है कि अगर आपको किसी की पोस्ट रेडिट पे अच्छी लगी है या उनकी इंफॉर्मेशन उनको वहाँ से मिली है या उनके प्रोडक्ट से रिलेट करी है तो वो आपको आके वहाँ पे अपवोट देते हैं। जब अपवोट आपके इंक्रीज होते हैं तो आपका कर्मा इंक्रीज होता है, और जितने मतलब आपको अपवोट ज्यादा मिलेंगे उसी से रिलेट आपको ज्यादा कर्मा मिलेंगे। और कमेंट बहुत मैटर करते हैं, कमेंट अच्छे होने चाहिए क्योंकि नेगेटिव कमेंट पर आपके कर्मा डिक्रीज भी होते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाके भी तो आप अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं, तो इसमें रेडिट में हमें क्या फायदा है? रेडिट और अगर क्योरा को हम रिलेट करें तो वो इस तरीके से करेंगे कि इन दोनों में बहुत डिफरेंट चीज है, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। लाइक क्योरा पे हम जस्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं
और रेडिट उससे डिफरेंट इस तरीके से है कि वहां पे हम जस्ट पोस्ट कर सकते हैं, मीम्स भी शेयर कर सकते हैं। क्योरा पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योरा पे जस्ट आपको क्यूरीज दी जाती है, आपने उनके आंसर्स करने होते हैं या अपनी क्यूरीज पूछनी होती है। और रेडिट उससे डिफर इस तरह है कि यहाँ पे आपने जस्ट पोस्ट क्रिएट करनी है और या आप मीम्स भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सब रेडिट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप रेडिट पर नए हो तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जो सब रेडिट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी सब रेडिट पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप मतलब आपने वो सब रेडिट ज्वाइन करने हैं जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हो। तो मैं आप आगे अगला नेक्स्ट पॉइंट शेयर करूंगी कि हम रेडिट में स्लाइड शो ऑफ इमेजेस भी बना सकते हैं। लाइक अगर आपको किसी भी सब रेडिट की कोई भी इमेजेस अच्छी लगी हैं तो आप एक क्विक सा स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं रेडिट पर। थर्ड जो मैं टिप शेयर करूंगी इसमें वो ये है कि आप क्रिएट करें मल्टी रेडिट्स को रेडिट में जाके कम्युनिटीज को या और उनको यूज करें। उसके बाद जो फोर टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है कमेंटिंग। जैसे मैंने स्टार्ट पे बताया कमेंट बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका कर्मा आपके कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, लाइक आपने कोई पोस्ट किया तो उस पर कमेंट अच्छे आ रहे हैं कि उनको पसंद किया जा रहा है, तो आपके कर्मा उसी के लिहाज से इंक्रीज होंगे। उसके बाद जो आ जाता है टिप्स वो है रेडिट मोबाइल मोड। तो डेफिनेटली अगर ये लैपटॉप वगैरह के लिए ये वेबसाइट है तो मोबाइल मोड के लिए भी रेडिट बिल्कुल है। आप लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन की हुई है ये वर्जन जो है, आप मोबाइल में यूज़ करो। कुछ लोग हैं जिनके पास ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि वो बैठें लैपटॉप पे जाके सिस्टम्स पे बैठें और उस पर वर्क करना स्टार्ट करें, तो आप अपने मोबाइल पर भी ये काम कर सकते हो इजीली कहीं पे भी बैठ के। उसके बाद आ जाता है अनब्लॉक द सब रेडिट। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ सब रेडिट आपको अपने वर्क प्लेस पर ब्लॉक्ड मिलती है, आपको ऐसा शो ऑफ हो रहा था जैसे कि ब्लॉक्ड है और कुछ होती नहीं है ब्लॉक। तो आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, वो किसी टाइम पर जाके आप उनको अनब्लॉक भी कर सकते हो। लाइक आप यूज कर सकते हो HTTPS और बाय एडिंग प्लस सिंपल के साथ आप जस्ट URL के लास्ट पे आप ये दो चीजें करो, प्लस का साइन ऐड करो, वो सब रेडिट लिखो जो सब रेडिट आपको ब्लॉक फील हो रही है या जो नजर आ रही है आपको, और आगे उसके नेक्स्ट प्लस का निशान, तो वो जो है सब रेडिट वो अनब्लॉक हो जाएगी। हम कर्मा को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? दिस वर्क स्लो बट इट डज। आप अपने कर्मा को इंक्रीज कर सकते हो रेलिवेंट पोस्टिंग के थ्रू। मैं आपको फिर बात कहूंगी कि रेडिट जो वेबसाइट है वो क्योरा से बहुत डिफरेंट है। हर सब रेडिट के साइट पर जब आप सब रेडिट को जाते हो उसमें पोस्ट क्रिएट करने लगते हो तो उसके साइट पे रूल्स दिए होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप उनके रूल्स को, जब भी कोई आपने पोस्ट क्रिएट करनी है फर्स्ट उनके रूल्स को लर्न करो कि वो क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। ऐसे सब रेडिट्स में जाएं, जाके सब जरूरी नहीं सबसे पहले आप जाके वहाँ पे पोस्ट ही करना स्टार्ट कर दो। आप वहाँ पे जाओ उनकी पोस्ट को देखो, जो उनकी पोस्ट आपको अच्छी लगती है उस पर जाके कमेंट करो, अपने उनके साथ अपना रिलेशन पहले बिल्ड करो, उन्हें इस चीज़ का यकीन दिलाओ कि आप वहाँ पे प्रमोशन के लिए नहीं आए, आप जस्ट इंफॉर्मेशन और लोगों की क्यूरीज का आंसर करने के लिए आए। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि हम इसमें शॉर्ट कीज को यूज़ कर सकते हैं रेडिट इन्हेंसमेंट सूट के लिए। रेडिट इन्हेंसमेंट सूट एक एक्सटेंशन है, ब्राउजर एक्सटेंशन, जस्ट वो ऐड करनी होती है जिससे आपका एक दो टाइम सेव हो सकता है, दूसरी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। जस्ट वहाँ पे जाएं ब्राउजर में जाके ये एक्सटेंशन को ऐड करें, तो जिससे हमारे पास शॉर्ट कीज हमें गेट होती हैं। मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करनी है, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो तो एक अपना पर्सनल अकाउंट है जो आपका, आप जाकर उस पर दो और भी डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यही इसकी टिप्स हैं रेडिट की, और इसी के थ्रू आप रेडिट पर अपनी प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड कर सकते हो। सो आज का सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मैंने बहुत कुछ न्यू चीजें भी सीखी हैं। आई होप आप सब ने भी सीखी होंगी। अल्लाह हाफिज़।